साथियों पहली रेड देखने को मिलेगी। एक तरफ रहने वाली है एयरफोर्स की टीम, कई प्रो कबड्डी के नाम, लोकेश की बात करें, अजय की बात करें, संदीप कंडोला की बात करें, एयरफोर्स बनाम ईस्टर्न रेलवे, दोनों टीमें फोर्स की टीमें हैं। इस समय सामने रहने वाली आमने सामने कोटेगांव कबड्डी टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला देखने को। टॉस जीता है एयरफोर्स की टीम ने, कोच चूज क्या है पहली लड़ देखने को लगी ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। मुकाबला स्टार्ट होता हुआ दीपक मलिक पहली रन करेंगे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, बाहर संभाला है पहली रन का जिम्मा संभाला है प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कोटेगांव कबड्डी टूर्नामेंट 2024 का एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट में। और प्री क्वार्टर फाइनल में अगर हारते हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यता आपके लिए। अजय बाईस नंबर जर्सी में लगातार प्रो कबड्डी में इस चेहरे को, इस खिलाड़ी को देखते आए हैं, बहुत सीजन प्रो कबड्डी के लिए दिए हैं इस खिलाड़ी ने। इस समय जिम्मा संभाले हुए एयरफोर्स का, दस नंबर जर्सी में रेलवे की कमान संभाले हुए खिलाड़ी, स्टार्टिंग सेवन में मौका मिला है बेहतरीन गेम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों फोर्स की टीमें हैं, टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। मुकाबला भी इस समय बराबरी पर था, टीम अब पूरी तरह से डू ऑर डाई पर खेलना चाहती है। राहुल डू ऑर डाई में किक लगाई है, निशाना बनाया, कमान को बाहर भेजा है, डू ऑर डाई में कामयाबी मिली ईस्टर्न रेलवे को, क्या क्या भी कामयाबी मिलेगी। लंबा स्टेप, कमान का रनिंग हैंड टच, दोनों टीमों को कामयाबी मिली है डू ऑर डाई में। री राइड कराई जाएगी रॉबिन, टेक्निकल इशू था, एक एक की बराबरी पर मुकाबला। रॉबिन ने डबल हाई होल्ड करके कंप्लीट किया ये टैकल, 2-1 स्कोर, ईस्टर्न रेलवे इस समय लीड में आ गई है। हालांकि मुकाबला स्टार्ट जरूर हुआ है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है मुकाबला, एक एक पॉइंट बहुत समय में जाकर चल बढ़ रहा है। संदीप कंडोला सामने से आए, एक और कमाल का टैकल दोनों तरफ से देखने को मिला, 2-2 की बराबरी पर मुकाबला। लोकेश ने इस समय बाहर संभाला हुआ है, लेकिन
راحل لغاتار شركت کرتے ہوئے دونوں اسکور برابر ہے قریب 5 منٹ کے آس پاس کا سمے بھی چکا ہے اس مقابلے میں اور ماتر دو پوائنٹ بنے ہیں دونوں ٹیم اندر سے دو دو پوائنٹ कमाल का रनिंग है इस टीम के तीन खिलाड़ी कामयाबी मिलती हुई सुबह रेडर को स्कोर फिर से बराबर है पूरी तरह से मुकाबला ओपन है साथियों लास्ट समय तक इस मुकाबले में कुछ नहीं कहा जा सकता नॉकआउट मुकाबले है प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है एंकल होल्ड जरूर किया है अगर हाथ निकला तो बड़ी रेड साबित होगी गिनती चालू है एक दो तीन चार कितनी बड़ी रेड है चार पॉइंट की रेड कर दी लॉकेस ने इस मुकाबले को जहां एक एक पॉइंट बन रहा था फूक फूक कर कदम रख रही थी टीमें वहां चार पॉइंट की रेड करके धीरे धीरे से नहीं एक एक झटके के साथ बदल दिया है इस मुकाबले को एयरफोर्स के पक्ष में 3-7 स्कोर राहुल लगातार राइड कर रहे हैं दो कड़े फैच इस समय ईस्टर्न रेलवे के कोर्ट में रहने वाला है बोनस जरूर मिला है लोकेश फिर से वही खिलाड़ी मौजूद दो के डिफेंस में सुपर टैकल ओवर एक तरफ रॉबिन तो दूसरी तरफ राहुल कॉर्नर में ढकेलने का प्रयास रॉबिन को दोनों को एक साथ लेने का प्रयास है डाई जरूर लगाई है लेकिन लोकेश फिर से कामयाब टाई होल्ड करने का प्रयास है डाई लगाई लेकिन फिर से कामयाबी मिली लास्ट खिलाड़ी थे राहुल सामने से आए ब्लॉक करने का प्रयास कामयाबी मिलती बोनस जरूर मिला है ऑल आउट मिलता हुआ ऑल आउट का मतलब होता है ऑल टीम इन 5-11 स्कोर टाइम आउट लिया है एयरफोर्स की टीम ने अजय संघर्ष की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी लोकेश ने बिल्कुल बाजी को पलट दिया था जो वो सुपर डुपर रेड लगाई थी चार खिलाड़ियों को एक ही रेड में तराशाई किया था संदीप पंडोला को बाहर जाना होगा इस बार कबड्डी के सितारों से सजी हुई टीम है ऐसे निकल कर आए डबल थाई होल्ड करने का प्रयास लेकिन लोकेश फिर से कामयाबी मिलती हुई अंतर है धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुश्किलें बढ़ती हुई ब्लॉक करने का प्रयास है रॉबिन को फिर से कैच लगा दी डिफेंस ने छह दे रहेगा इसको बहुत स्लो स्टार्ट हुआ था ये मुकाबला शुरू में एक एक पॉइंट
टू अडाई पर बन रहा था, लेकिन इस समय स्कोर की बात करें तो 6-13 का स्कोर, 7 पॉइंट कम था। दीपक मलिक, 7 का डिफेंस, फुल स्क्वाड, 4 नंबर जर्सी वही खिलाड़ी। एक और एम्प्टी नेट, लगातार वही सिलसिला जारी, फिर से गेम वही आ गया है डू और डाई की तरफ। दोनों टीमें पूरी तरह से डू और डाई पर, 6-13 का स्कोर। दो की चेन लेफ्ट में, दो की चेन राइट में, एक शटर में खिलाड़ी। संयुक्त टैकल, सारे के सारे डिफेंडर, 5 के 5 डिफेंडर एक साथ कंप्लीट किया इस टैकल को। इधर भी डोडा ही राइट, हैंड टच करने का प्रयास, हालांकि बोनस ओपन है यहां पर, आप बोनस लेकर अपने आप को सेव कर सकते हैं, लेकिन राहुल ये कमाल की साइड किक है भाई। जिम्मा संभाला है रेड का, क्या वापसी करेंगे, हालांकि अंतर ज्यादा बड़ा नहीं, अभी 5 पॉइंट का अंतर है, समय भी बहुत बाकी है, फर्स्ट हाफ का मुकाबला प्रगति पर है। अच्छा प्रयास, लोकेश लगातार कामयाब हुए हैं इस मुकाबले की बात करें, पिछले मुकाबले की बात करें, पूरा टूर्नामेंट बेहतरीन दिखाया इस खिलाड़ी ने। जहां अजय जैसे रेडर आपके पास, आपकी टीम में शामिल है, उनके बाद लोकेश कमाल का प्रदर्शन, एक और दीपक का साइड टू टच। एक और एम्प्टी नेट, मध्यांतर का समय करीब इस मुकाबले में, 9-14 का स्कोर है, हालांकि मुकाबला बिल्कुल बराबरी का था, अंतर हुआ तो लोकेश की उस रेड के साथ। अंतर का समय बिल्कुल करीब, क्या लास्ट रेड देखने को लेगी, बिल्कुल 9-14 का स्कोर, 5 पॉइंट की लीड अभी भी एयरफोर्स के पक्ष में।
फर्स्ट हाफ की कहानी की बात करें साथियों, 9-14 का स्कोर सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। ये वो खिलाड़ी है लोकेश जो लगातार छाया रहा है इस टूर्नामेंट में, एक अपनी अलग पहचान बनाई है, छाप छोड़ी है। और कमाल का हैंड टच, आज की पलटी क्या कामयाबी मिली है, मल्टी पॉइंट राइड का दावा था स्वीकार किया गया 2 पॉइंट मिलते हुए। दोनों तरफ से मल्टी पॉइंट राइड देखने को मिली है, एक तरफ से अजय तो दूसरी तरफ से रोबिन। हालांकि अंतर अभी भी 6 पॉइंट का बना हुआ है। ये मजबूती है, बोनस करने के लिए जाते हैं, उसके बाद एक झटका लगाते हैं एंकल पर, इसी के साथ वो सुपर रेड कंप्लीट की थी जो सुपर डुपर रेड थी जिसकी वजह से ये मुकाबला अभी तक अंतर रखा है एयरफोर्स ने। पॉइंट मिलता हुआ, रॉबिन लगातार कामयाब हुए हैं। पॉइंट आ जाएगी, खाते में जाएगा ये पॉइंट। बारह 19 स्कोर है, प्रयास जरूर किया था लेकिन कटा हुआ बोनस है, एक पैर हवा में होना चाहिए, एक पैर बोनस लाइन क्रॉस होना चाहिए। एयरफोर्स ने लगातार लीड को बरकरार रखा है, एक बार लीड आई उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार चौथा पॉइंट रोबिन के पास, इसने भी जरूर लगाई है लेकिन प्रसूट करने गए थे दीपक, बहुत जल्दी प्रसूट किया था लेकिन बचाव उससे भी बेहतरीन था। डू अटैच
اگر ہاتھ نکلا تو بڑی ریڈ ثابت ہوگی لیکن نہیں ڈیفنس کامیاب ہوتا ہوا دھیرے دھیرے جو انتر ہے پھر وہی پہنچتا ہوا 5 پوائنٹ کے لیے ڈبلیو بی سروے 13-19 کا اسکور ہے 6 پوائنٹ کی لیڈ روبن لگاتار کامیاب ہوئے ہیں کیا پھر سے کامیابی ملے گی اس کھلاڑی کو پیسے رہی گیم روبن کا لگاتار 5 پوائنٹ کہیں نہ کہیں سے روبن کافی روایت کیا ہے اس کھلاڑی نے لگاتار پوائنٹ ارجت کرتا ہوا اپوزٹ ٹائم آؤٹ دھیرے دھیرے مقابلے میں واپسی کرتی ہوئی اور اس کا سرے کہیں نہ کہیں روبن کو جاتا ہے جس نے ایک کمال کے مقابلہ دکھایا ہے پورا تین کھلاڑی کورٹ میں سپر ٹیکل آن یہاں پھر سے کامیابی ملی ہے انتر دھیرے دھیرے کم ہوتا ہوا آل آؤٹ کی طرف پڑتی ہوئی ایئر فورس کی ٹیم سترہ بیس اسکور ماتر 3 پوائنٹ کی لیڈ ہے مقابلہ پوری طرح سے ابھی بھی اوپن ہے جیبان تھا مقابلہ کیونکہ جو وہ کامیابی ملی تھی لوکیس کو دیپک سپر ٹیکل کمپلیٹ کیا انتر پھر سے بڑھتا ہوا سندیپ کنڈولا سامنے سے آئے سنگل تھائی پر گئے ایک سمے انتر ماتر 3 پوائنٹ کا رہ گیا تھا پھر سے 6 پوائنٹ کی جیت 17-23 اسکور دھیرے دھیرے سمے نکل رہا ہے روبن یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے اس مقابلے کو ایک بار دوبارہ سے رومانچک بنا دیا تھا انتم 5 منٹ کا سمے سے کیا پھر سے وہ کمال دکھا پائے گا اینکل ہولڈ سندیپ کنڈولا لگاتار پوائنٹ ارجت کرتا ہوا یہ کھلاڑی پہلے ڈبل تھائی ہولڈ پر گئے اس کے بعد ایک سپر ٹیکل دیکھنے کو ملا پھر ایک سنگل پوائنٹ لاسٹ 5 منٹ کا سمے شیش ہے انتر دھیرے دھیرے پھر سے بڑھتا ہوا But if you need to
17-24 स्कोर। संदीप पंडोला बाहर है इस समय। लोकेश अगर यहां कामयाबी नहीं मिली थी तो मुश्किल बढ़ेगी भाई, क्योंकि मैन रेडर है इस समय, लीड कर रहे हैं टीम को। पांच का डिफेंस बोनस मिलेगा नहीं, किसे लगाने का प्रयास। सात छह पांच चार तीन दो एक, एक और कमाल की स्किल देखने को मिली है। तीन खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल ओवर। 19-24 डिफेंस टूट रहा है लगातार, अंतिम तीन मिनट के आसपास का समय शेष। अजय आए टाइम आउट लिया है ईस्टर्न रेलवे ने। 19-24 अंतिम दो मिनट का समय शेष, क्या दीपक यहां से वापसी करा पाएंगे। लंबा हैंड टच, वापसी की उम्मीद अभी भी बाकी है। एक रेडर की आवश्यकता है। टाइम आउट लिया है, अजय फिर से अंदर आए हैं। 20-24 स्कोर, दो खिलाड़ी कोर्ट में हैं। रोमांचक मुकाबला, रोमांच बढ़ता हुआ। अंतिम डेढ़ मिनट के आसपास का समय शेष है। अजय को अगर यहां कैच लगा दी तो मुश्किल हो जाएगी, स्कोर बराबरी पर जाएगा। फिर अजय रिस्क नहीं लेना चाहते, जानते हैं पूरा समय काटने का प्रयास। दीपक आए हैं दो के डिफेंस में, सुपर टैकल ऑन है रेलवे। तो क्या दीपक पटरी पे ला पाएंगे। दीपक मलिक अंधेरों में चिराग जलाना होगा दीपक को। डबल फाइव पर गए, एक पॉइंट मिला है। लास्ट खिलाड़ी अजय क्या टाल पाएंगे ऑल आउट को। एक रोमांचक मुकाबला इस समय चलता हुआ। अजय डू अडाई रेड है, निर्णायक रेड इस मुकाबले की। 21-24 स्कोर है, अभी भी बोनस नहीं लेने दे रही है टीम। बोनस का प्रयास जरूर किया है। जबरदस्त खेल आगे बढ़ रहा है, समय धीरे धीरे समय निकल रहा है। और इस रेट में अगर पॉइंट लेकर आते हैं तो बात बोनस मिला है, ऑल आउट मिलता हुआ। ऑल आउट, तीन पॉइंट। रेलवे ने रफ्तार पकड़ ली है, रेलवे अब पहुंच गए हैं 24-25 स्कोर। लोकेश की वापसी हो गई है। अगर ये समय अभी भी बचा हुआ है, क्या एक और रेड देखने को मिलेगी या ये लास्ट रेड होगी। तो ये जीत सकती है। टाइम रेफरी सेंटर लाइन पर है, मतलब यहां मुकाबला समाप्त होने वाला है। बिल्कुल मुकाबला समाप्त होता हुआ 24-25 के साथ बाजी मारती हुई यहां पर एयरफोर्स। कमाल का मुकाबला देखने को मिला साथियों, जबरदस्त मुकाबला। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद दोस्तों। एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।